टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्निकल जानकारी के साथ जुड़ें, यह लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। टेक्निकल जानकारी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, मतलब सारी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं फ्री वीडियो के साथ आपसे सामने हाजिर हूँ। दोस्तों इस वीडियो में हम से बात करने वाले हैं कि अगर आप एक मोबाइल EMI का रेडमी का फोन यूज करते हैं, सामी का फोन यूज करते हैं, तो उसमें एक अभी तक तो नहीं था लेकिन एक अपडेट आया, ज्यादा टाइम नहीं हुआ उसको आने में, तो उसमें एक अपडेट आया जिसमें एक एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। वो एप्लीकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस एप्लीकेशन का प्रयोग आप करिए। आप बहुत सारे जो गूगल में थर्ड पार्टी वेबसाइट है उसको आप उससे बच सकते हैं। तो आज की वीडियो हम से यही बात करने वाले हैं, तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो के आखिर तक। दोस्तों मेरा वीडियो को पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। दोस्तों एक बात और जो मैं प्रत्येक वीडियो में आपसे कहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो के नीचे दिख रहा बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने घंटी के ऑप्शन पर भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा दोस्तों, इस चैनल पर अपलोड लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। एप्लीकेशन में उसमें थोड़ा सा अपडेट आया, अपडेट ऐसा जैसे उसमें उस एप्लीकेशन को जोड़ा गया अपडेट के टाइम मोबाइल में। उस एप्लीकेशन में बहुत सारे फीचर हैं, जैसे आप उसे क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन बिल जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन गैस की बिल जमा कर सकते हैं, अपना बिजली का बिल देख सकते हैं, पानी का बिल जमा कर सकते हैं और बहुत से रिचार्ज भी कर सकते हैं मोबाइल का, और आप DTH का रिचार्ज भी कर सकते हैं। आप बहुत सारा उसमें ऑप्शन है जो कि एक एप्लीकेशन है, आप उसे आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके उसके उसका प्रयोग करने के लिए प्ले स्टोर का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि MI में ही एक एप्लीकेशन आ चुका है जिसका प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं और वहां से सारा कुछ कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों अपने मोबाइल की स्क्रीन ले चलेंगे और वहां पर हम दिखाएंगे कि ये इसका प्रयोग कैसे करें, ये क्या कैसे हुआ, इसमें क्या क्या और नए फीचर आए सब। चलिए दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन में ये देख सकते हैं। दोस्तों मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में आ चुका हूँ, अब हम आपको दिखाएंगे वह कौन सा एप्लीकेशन है जो अपडेट के टाइम जोड़ा गया है और उससे क्या क्या फ़ायदे हैं, उसमें क्या क्या फीचर हैं। तो आइए दिखाते हैं उसको। ये देख सकते हैं ये मेरे पास बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन उसी एप्लीकेशन के बारे में जो यहाँ पर देख सकते हैं EMI पे, आपको ये एप्लीकेशन जो है देखने को मिलेगा यहाँ से। और इस एप्लीकेशन के बहुत सारे फीचर हैं, आप उसमें बहुत सारा लाभ उठा सकते हैं। इस तरह का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब ये क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल का है, मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं, वाटर का रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक गैस और DTH लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड बहुत सारा है। आप इसमें जो है आप इसके माध्यम से रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जाने के बाद यहाँ पर अपने जो है एक जो आपका अमाउंट जो आपका MI अकाउंट है ना उससे आपको इसमें लॉग इन हो जाना है। आपको लॉग इन होने के लिए आप जो है हमें कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अकाउंट बनाएं। और अगर आप अकाउंट बना चुके हैं MI का या कि अपने फ़ोन का अकाउंट, तो आपको यहाँ पर अपना जो है अकाउंट नंबर, वो अपना यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करने के बाद आप उस समय इसमें लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है बैंक भी आप ऐड कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं इसी एप्लीकेशन के बारे से। और यहाँ पर बैंक अगर ऐड करना चाहते हैं तो बैंक भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये पूरा आपको सिस्टम यही है जैसे फ़ोनपे वाला है ऑप्शन, फ़ोनपे उसी तरीके से ये भी पूरा काम करता है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, ये भी एक जो है विश्वसनीय एप्लीकेशन है। आप इसे हर तरह से हर तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप अब इसमें ज़्यादातर अच्छा तो यही है कि आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, आपके जो है कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो आपके एप्लीकेशन में, वो आपके मोबाइल में एप्लीकेशन आ चुका है, आप इसे इंस्टॉल कर ले इंस्टॉल करिए और इसका लाभ उठाइए। तो ये जो है आप इसमें आप सामने है, आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप बिल चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके आप बिल भी आप अपना चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर MI अकाउंट साइन इन बोला जाए है अगर, तो यहाँ पर आपको सिर्फ जो है अपने स्टेट चुन लेना है कि आपका स्टेट किस जगह से कहाँ से है, तो जो है आप वहाँ से अपना सेलेक्ट करके आप उसे बिल भी आप बिल चेक कर सकते हैं या बिल जमा कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे यहाँ पर कस्टमर ID भरा जाएगा और फिर आप कर सकते हैं इसी तरह से, या कि आपका कोच भी दूसरा है पंजाब स्टेट या कहाँ से भी, जहाँ से भी होगा आप वहाँ से इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। 100% ये लीगल एप्लीकेशन है, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। तो आई होप कि दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे दिख लाल बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने घंटी के ऑप्शन पर भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा दोस्तों, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों अगर आप ये MI अकाउंट बनाना नहीं जानते हैं तो हमें कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे अपना MI अकाउंट कैसे बनाएं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम आपको मिलेंगे वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हमारे वीडियो को आखिर तक देखने के लिए दिल से थैंक यू।